गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेविस सनाया। डेविस सनाया में आपका स्वागत है। तो मैं सो के उठ चुकी हूँ और अब हम बनाएंगे लंच। तो देखिए ये मेरा लक्की क्या कर रहा है। हमारा लक्की ले रहा है बाहर के नज़ारे। देखिए मौज कर दी हो। क्या कर रहे हो लक्की? लक्की बाहर के नज़ारे देख रहा है। क्या कर रहा है लक्की? लक्की देख रहा है बाहर का। वे देखिए गाइस कैसे खड़ा है और देख रहा है। क्या देख रहे हो जानू? देख रहा है वो कि बाहर क्या चल रहा है। मैं बताती हूँ आपको वो क्या देख रहा है। उसको अपना साथी दिख गया है, अपनी जात वाला। ये गाइस ये इसको देख रहा है। इसको अपने खानदान वाले लोग मिल चुके हैं, इसलिए विंडो पे खड़ा हो गया था। सो गाइस मैं जा रही हूँ अंडे की भुर्जी बनाने। मुझे नहीं पता था कि आज लंच में क्या बनने वाला है, तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि अंडे रखे हुए हैं तो अंडे की भुर्जी बना लो, क्योंकि वो क्विक बन जाती है तो तुम्हें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो गाइस कितना प्यार करते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको प्याज काटते समय आँखों में पानी आए तो प्याज को ऐसे कट करके दो पीस करें। दो पीस करने के बाद इसको फ्रीज़र में, जब तक आप दूसरा काम कर रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें। तो क्या है इसका जो आता है जिसे आँखों में आंसू हो नहीं आएंगे। मैंने ऐसा ट्राई किया था, मेरे साथ हुआ है। तो अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए रखूँगी फ्रीज़र में, फिर देखते हैं हमारे आंसू आते हैं कि नहीं। तक मैं कट कर लेती हूँ टमाटर एंड मिर्ची। तो गाइस इसके पीस गाइस मेरे से सुबह सुबह काम करना मुझे बहुत, मेरे पति सो रहे हैं मुझे किचन में लगा के, क्या ही बताऊं। मैं शादी से पहले तो बोला था बेबी टेंशन मत लो, आधा काम तुम किया करना आधा काम मैं किया करूँगा। और अभी देखो, और शादी से पहले मुझसे ये भी बोला था तुम आराम से सो के उठना, लंच मैं बनाऊंगा। गाइस जिंदगी बर्बाद हो गई। ओह नो। तो गाइस जब तक हमारी प्याज ठंडी हो रही थी तो मैंने अंडे को तोड़ के एक बाउल में कर लिया। मैं जब तक मिर्ची मिक्स कर लेती हूँ उसमें। एक्चुअली मुझे कुछ पता तो है नहीं, मैं ऐसे डाल दे रही हूँ क्योंकि अब उन्होंने मुझे बोला है तो कुछ तो खाने मिलेगा ना। समझ रहा नमक ज़्यादा करते हो, कल से बोलेंगे नहीं। गाइस हमने अपनी प्याज निकाल ली है फ्रिज में से, तो चलिए मैं इसको देखते हैं अब हम हमारी आँखों का क्या होता है। और एक ट्रिक बताती हूँ गाइस मैं आपको, कभी ऐसी वाली प्याज होती है ना तो उसको पहले 1 मिनट के लिए पानी में रखो। ऐसे पानी में रखेंगे तो इसका जो ऊपर का कवर होता है वो इजीली निकल जाएगा। आप एक बार ट्राई करें, ये देखिए ये जो होता है ना वो एकदम इजीली निकल जाएगा। तो गाइस अभी मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं या नहीं। देखिए गाइस इससे प्याज भी बहुत इजीली कट जाती है, जैसे कि आपने देखा था कल मैं भिंडी काट रही थी और इससे प्याज भी कितनी आसानी से कट रही है। माय फेवरेट कटर। तो गाइस हमारी अंडा भुर्जी बन चुकी है, हम जल्दी इसमें रेडी हो चुकी हूँ। तो अब मैं, मेरा आज मन था ब्रेड टोस्ट खाने का, तो अब मैं ब्रेड टोस्ट कर रही हूँ। दिखाती हूँ आपको भी कैसे किया मैंने। गाइस पहले मैंने घी डाला, तो आपको अपने अकॉर्डिंग कितनी ब्रेड फ्राई करनी है उसके अकॉर्डिंग आप घी ले लें। तो उसके बाद ऐसे ब्रेड अच्छी फ्राई होंगे ब्रेड। गाइस तो मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है,
अभी मैंने देखा मेरी ब्रेड एक्सपायर हो चुकी है, तो जो मेरा मन था वो मेरा मन ही रह गया। कल हमने बनाया था प्लांट पॉट, तो आज हम उसमें प्लांट लगा रहे हैं। प्लांट लगा रहे हैं हम कॉइन प्लांट, तो ये वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है, ये आप घर पे लगा सकते हो, इससे पॉजिटिव वाइब आती है। और ये है कॉइन प्लांट, यही हम इसमें लगा रहे हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि उसके पास से ही लेते हैं हमें। तो गाइस ऐसे देखिए आप, स्लो स्लो इसमें पानी डालिए, इसकी जो पानी की तासीर है वो नीचे तक जानी चाहिए। देखिए अब हम लगा रहे हैं इसमें प्लांट। हमारा प्लांट लग चुका है और अभी कुछ दिनों के बाद बहुत ही सुंदर हो जाएगा। मैं इसका आपको एक फोटो दिखाऊंगी नेट से निकाल के, ये कुछ टाइम के बाद ऐसे ही हो जाएगा। वाओ गाइस, तो जैसे कि आप कल मिले थे लवीना से और निधि से, तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे मैनेजर मैडम से। ये हमारे मैनेजर मैडम है और ये काजल है, बहुत अच्छे हैं। ये सब स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है और मैम भी बहुत अच्छे हैं। और हमारे हेयर स्टाइलिस्ट को नहीं दिखाना है, वो वायरल हो जाएंगे हेलो गाइस, मैं बैठी हुई थी तो फिर मेरी एक क्लाइंट आ गए, तो फिर मैं उनका काम करने लग गई। काम करते करते मैं उनसे बातें भी कर रही थी, और मैं बातें करते करते उनसे पूछा कि आपको क्या करना है, तो उन्होंने फिर मुझे रेफरेंस दिया मेरे इंस्टाग्राम का, जो मैंने लास्ट टाइम डिज़ाइन किया था, उनको वो बहुत अच्छा लगा था, फिर उन्होंने वही डिज़ाइन निकाल के लाए थे और फिर मैंने उनके वही डिज़ाइन किया। और फिर मैंने उस फॉइल पेपर काटने में, यार मुझे इतना दिक्कत हो रहा था, ये बहुत बारीक होता है फॉइल पेपर, फिर मैंने उनको फॉइल पेपर बहुत ही स्लो स्लो एप्लीकेशन करना पड़ता है इस फॉइल पेपर का। उसके बाद मैं उनको बता भी रही थी और फिर वो मुझसे बोल भी रहे थे कि आपने एक्सटेंशन अच्छा करते हो, तो ये तो गैस वही बात हो गई अपने मुँह से अपनी तारीफ, लेकिन एक्चुअली वो बोल रहे थे मुझे, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तारीफ़ तो सबको अच्छी लगती है। तो गैस फिर हमने अपना स्टार्ट किया, फिर मैंने कुछ देर में उनको टॉप कट एप्लीकेशन करके ड्राई किया, तो देखिए गैस मेरा अच्छा चल रहा है। तो हम सब फ्री होके जस्ट फ्री हुए हैं। ये देखो कितनी गहरी सांस ले रही है, ये देखो अपना टिफिन, अब टी शर्ट से साफ करो, ये देखो कंजूस लड़की टिश्यू नहीं ले सकती। तो गाइस ये सब बताएगा, ये लोग कितने चालाक लोग हैं, 9:15 रह जाती है और तैयारी चालू कर देते हैं। ऐसे लगता है इनको सुकून मिला 9 बजने के बाद, पिंजरा लगता है पिंजरा। गाइस तो मैं पहुंच चुकी हूँ स्टेशन पर जीशान का, तो अभी आपको कुछ देर में मेरे जीशान आ जाएंगे तो गाइस मैं उतर चुकी थी स्टेशन पे। फिर मैंने कुछ सेल्फी स्टिक देखे, तो मैं अभी चेक कर रही हूँ कुछ सेल्फी स्टिक। फिर मैंने एक सेल्फी स्टिक लिया, ये ब्लूटूथ वाला, इसलिए मैं इसको चेक कर रही थी। फिर मैंने फ़ोन में लगा के चेक किया तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने लास्ट ये डिसाइड किया और फिर मैंने ये सेल्फी स्टिक ले लिया। हेलो गाइस, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं और हमने चेंज कर लिया है और अब हम अपना खाना बनाने जा रहे हैं। आज हम खाने में बनाएंगे हमारे गांव की कबूली, तो देखिए गाइस आप भी इसको ट्राई करना, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ ये तब कबूली कैसे बनती है। तो गाइस हम बना रहे हैं आज कबूली, उसकी रेसिपी आज मैं आपको बताऊँगी, ये हमारे गाँव की रेसिपी है, तो आप भी इसको एक बार ट्राई करना। तो मैंने पहले कुकर लिया, उसमें ऑयल डाला, फिर प्याज फ्राई कर रही हूँ, सॉरी गाइस मुझे खाना कम आता है। उसके बाद मैंने इसमें लिया है लहसुन अदरक और सौंफ पिसी हुई, ये सब आपको ग्राइंड करना है। उसके बाद आपको प्याज के साथ इसको भूनना है 2-5 मिनट और साथ ही आपको गरम मसाला डालना है, जिसमें मैंने तेज पत्ता और बाकी जो भी गरम मसाला होता है वो सब डाल दिया है। और इसको मैं 2-5 मिनट तक भूनती हूँ। 2-5 मिनट आप इसको मीडियम गैस पे भूनेंगे। दाल और चावल को भिगो दिया, इसको थोड़े टाइम भिगोना रहता है क्योंकि
दाल बनने में थोड़ा टाइम लगता है चने की दाल से। हम गाइस मैंने इसमें अभी मिर्चियाँ डाल दी हैं, इसको भी 2 मिनट फ्राई करेंगे। साथ ही हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 स्पून मैं 1 स्पून डाल रही हूँ, आप आपके स्वाद के अनुसार डाल लेना। गाय से जो अभी इतना लाड दिखा रहे हैं ना, इससे थोड़ी देर पहले हमारा झगड़ा हुआ था, तबुली कौन बनाएगा इसलिए। दाल को धो के अब हम दाल डाल देंगे इसके अंदर। और इसको आप स्लो करके रखिए। और इसमें अभी मैं 1 ग्लास पानी डालूंगी, 2 ग्लास 1 कटोरी। तो गाइस आप भी इसमें फिर हम कुकर को बंद करके 2 सीटी पहले सिर्फ आपको दाल में लगानी है। गाइस मुझे भी ज़्यादा कुकर वगैरह यूज करना नहीं आता क्योंकि मैंने खाना कभी बनाया नहीं है, तो माफ़ी चाहती हूँ। बट आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी रेसिपी है हमारे गांव की। तो क्या हो गया अगर बोल दिया तो? यार हर चीज के लिए लड़ना जरूरी है। मजाक। नो 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 नो। देखिए गाइस अपनी दाल पक चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। गाइस हमने राइस को वॉश करके ऐड कर दिया है। मैंने 1 कटोरी दाल ली थी, 2 कटोरी राइस लिए। आप देख लीजिए आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उसके साथ हम 2 हैं, तो इसलिए हमने 2 कटोरी राइस और 1 कटोरी चने की दाल ली थी। तो गाइस हमने इसमें पानी ऐड किया है 4 कटोरी, क्योंकि अगर 2 कटोरी हम चावल लेते तो 2 कटोरी हम no. 4 कटोरी हमें पानी ऐड करना है। ठीक है गाइस, चलिए अभी मैं इसमें लगाती हूँ 2 सीटी, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। गाइस देखिए हमारी कबूली तैयार है। तो देखिए गाइस देखने में कितनी यम लग रही है, तो आप भी एक बार ये रेसिपी ट्राई करें। और ये जीशान ने सड़ा हुआ अंडा बनाया है। ओह नो। सो गाइस खाना हमारा हो गया है, कबूली बहुत अच्छी बनी थी, और आप भी एक बार ये रेसिपी ट्राई करें, आपको अच्छी लगेगी आई होप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग डेविस सनाया, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। सो गुड नाइट गाइस, अब हम सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।